हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे लवली इनू फाइनेंस टोकन के बारे में। लवली इनू फाइनेंस टोकन ठीक ठाक टोकन है। मैंने भी इसमें बहुत पहले इन्वेस्टमेंट किया था, जो कि काफ़ी लो प्राइस पे मैंने इसको बाई किया था। इसी के आसपास जो अभी इस समय प्राइस चल रहा है, इसी के आसपास मैंने प्राइस को पे बाई किया था। और मैंने यहाँ पे जाके 2 या 2.5% के रिटर्न के आसपास इसको जो है कि सेल किया था। तो इस पर काफ़ी ज़्यादा बीच में 1-2 महीने पहले बहुत ज़्यादा हाइप बनी थी, काफ़ी ज़्यादा इसने रिटर्न 2 से 2.5% की रिटर्न दे चुका था, तब मैंने इसको निकाल दिया था। फिर उसके बाद थोड़ा सा फिर मैंने जो है कि इसमें $5 के आसपास फिर से मैंने परचेस किया था। तो ठीक ठाक टोकन है। बस ये मान के चलिए कि ये जो है कि मीम कॉइन जो होते हैं बहुत ही वॉलेटाइल होते हैं, आपके पैसे ज़ीरो भी हो सकते हैं। तो उतना इन्वेस्टमेंट करिएगा जितना जो आपका लॉस हो जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो बात करते हैं जो कि लवली इनू फाइनेंस से रिलेटेड कुछ न्यूज़ आई है उस पर हम बात करेंगे। किशू इनू से भी एक रिलेटेड न्यूज़ है, उस पर भी बात करेंगे। तो अगर अभी हम देखें इस समय जो लवली इनू का प्राइस है वो 5x0 है। रुपीज़ में अगर हम देखें 792 की सीरीज चल रही है, 5.5% अप है। अब इस किस वजह से है, एक न्यूज है इससे रिलेटेड, इस वजह से अप है, उसको भी हम देखेंगे। अगर हम यहाँ पे देखें तो काफ़ी ज़्यादा इसने हाई बनाकर चार्ट पे अब ये काफ़ी ज़्यादा नीचे आ गया, यानी कि जो है कि वो अपने आसपास प्राइस के आ गया जब उस समय जो है कि काफ़ी ज़्यादा लो बनाया था। तो ये टाइम है इसमें से थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करने का। तो अगर हम अभी देखें तो ये काफ़ी ज़्यादा डाउन है, 91% अपने ऑल टाइम हाई से माइनस में है। और ओवरऑल इसने 5 मंथ में, यानी मई 2022 में इसने अपना जो है कि ऑल टाइम लो बना दिया था 143, वहाँ से ये 452% का रिटर्न ऑलरेडी दे चुका है। तो एक साल में अगर इतना अच्छा रिटर्न दे रहा है तो बहुत ही ठीक ठाक है। लेकिन ये मीम कॉइन है तो इसमें बहुत ज़्यादा ट्रस्ट नहीं कर सकते। इससे अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ऊपर के जो टॉप 10 क्रिप्टो करेंसी है उसमें ज़रूर आप देख सकते हैं। साथ ही साथ जो है कि दोस्तों, अगर हम न्यूज़ की बात करें इस समय, तो मैं लवली इनू के ट्विटर हैंडल पर हूँ और यहाँ पे इसके जो है कि ट्विटर हैंडल पर इन्होंने एक ट्वीट किया है, गुड न्यूज़ फॉर लवली आर्मी, वी गॉट द अप्रूवल एड्स फ्रॉम टर्की गवर्नमेंट। यानी टर्की गवर्नमेंट से इनको एक अप्रूवल मिला है एड कम्पेन करने के लिए, प्रचार करने के लिए। तो ये बहुत अच्छी बात है कि इसको अब जो है कि कुछ प्रोजेक्ट मिलने लग गए हैं, बाहर से कुछ चीज़ें मिलने लग गई हैं, ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं। ये वेरी सून आवर टर्की होल्डर्स विल सी लवली एट ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल्स, टेलीविजन एंड ऑन बिल बोर्ड्स ऑफ इस्तांबुल, अंकारा, इजमिर एंड एनाटोलिया। तो वहाँ पर जो है कि बहुत जल्दी ये अपना जो प्रचार करेंगे, एड कैंपेन करेंगे, ये बहुत अच्छी चीज़ है कि अप्रूवल मिल गया है टर्की में इनको अपना ऐड करने के लिए। तो इससे क्या होगा, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच पॉपुलर होगा तो होल्डर आएंगे, ये अच्छी चीज़ है इसके लिए। अब बाकी अगर हम देखें तो ये अभी तक मैंने जो परचेस किया था इसको बिटमार्ट कॉइन पे, लेकिन अब ये सन क्रिप्टो एक्सचेंज पे ऑलरेडी लिस्ट हो चुका है, जो कि इंडिया लीडिंग क्रिप्टो एक्सचेंज है। जहाँ पे सन क्रिप्टो एक्सचेंज एक ऐसा एक्सचेंज है जहाँ पे आप जो भी पॉपुलर मीम कॉइन है, जो भी पॉपुलर मीम कॉइन है, वो आपको ज़्यादातर मीम कॉइन आपको इन सन क्रिप्टो एक्सचेंज पे मिल जाएगा। सभी एक्सचेंज पे, जैसे अगर आप वजीरक्स है और बहुत सारे ऐसे हैं तो जल्दी लिस्ट नहीं करते वो लोग, लेकिन ये मीम कॉइन के लिए ही जाना जाता है सन क्रिप्टो एक्सचेंज। जो छोटे छोटे कॉइन होते हैं उनको ये लिस्ट कर देता है। तो और एक और न्यूज है, जैसे अगर हम देखें यहाँ पे तो कॉइन DCX ने भी लवली इनू को लिस्ट किया है। तो हमारे 2 इंडियन एक्सचेंज पे ऑलरेडी लिस्ट हो चुका है। तो अगर आप यहाँ से परचेस करना चाहते हैं तो सन क्रिप्टो एक्सचेंज से भी परचेस कर सकते हैं। इसमें बहुत ही इजी है डिपॉजिट एंड विड्रॉल। तो आप जो है कि मैं इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा सन क्रिप्टो एक्सचेंज से, आप वहाँ से आप जो है कि अपडेट करके अपना इंस्टॉल करके इसको कर सकते हैं परचेस। लेकिन ज़्यादा मत करिएगा, $5 से ज़्यादा नहीं करना, या ₹100 ही आप लगा के छोड़ दीजिए, जिस भूल जाइए कि आपको लॉन्ग टर्म में आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट देके जाएगा। दूसरी चीज़ और है, किशू इनू से रिलेटेड न्यूज़ है जो मैं आपको बताना चाहूँगा। किशू इनू से रिलेटेड ये न्यूज़ है कि सऊदी दुबई बेस्ड एक कंपनी है, एक्सचेंज मान लीजिए, जिससे जिसपे वो लिस्ट हो चुका है, लिस्टिंग ऑन किशू इनू C2X करके दुबई बेस्ड एक्सचेंज है, जहाँ पे इनको किशुनू को लिस्ट कर दिया है। आपको पता ही होगा दुबई बहुत ही ज़्यादा अडॉप्ट कर रहा है क्रिप्टो करेंसी को, इस टेक्नोलॉजी को बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार कर रहा है। तो
अच्छी चीज है इसके लिए कि शून्य के लिए कि ये अब उनके एक्सचेंज पे, दुबई बेस्ड एक्सचेंज पे लिस्ट हो गया, तो वहां से भी काफी ज्यादा इनके इन्वेस्टर्स आएंगे, होल्डर्स बढ़ेंगे। जब होल्डर्स बढ़ेंगे, इन्वेस्टर आएंगे, तो ऑब्वियस सी बात इसके प्राइस में आपको पंप देखने को मिलेगा। तो ये है C2X की एक्सचेंज की ऑफिशियल वेबसाइट, ये देख सकते हैं आप। तो इसी पे वो अभी कि शून्य लिस्ट हुआ है। तो दोस्तों यही थी एक न्यूज। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक करें, चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब बिल्कुल कर ले।